नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार, आपका दोस्त और होस्ट। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार, CFP, चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर। मैं पिछले 15 वर्ष से फाइनेंस मार्केट से जुड़ा हुआ हूं और सर्टिफाइड होने के साथ ही मुझे 15 वर्षों का प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में फाइनेंस फील्ड से जुड़ी हुई हर समस्याओं, हर प्रॉब्लम्स, हर क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा पाऊँ और आपके तमाम समस्याओं को सॉल्व कर पाऊँ। तो इसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। आज का हमारा विषय है महामारी की तैयारी। तो आप जिससे आप लोगों ने हेडिंग से ही समझ लिया होगा कि अभी किस चीज़ की महामारी चल रही है, तो अभी कोरोना महामारी चल रही है और पिछले 1.5 वर्षों से इस महामारी ने पूरे देश को, अपितु पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखा है। इसके कारण से लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। इस परिस्थिति में सबसे अधिक कष्ट में अगर कोई वर्ग है तो वह मिडिल क्लास है और उसके बाद लोअर क्लास है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मिडिल क्लास को पहले क्यों रख रहा हूँ, इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बतलाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोअर वर्ग में जो लोग हैं, जो लोअर क्लास में आते हैं, जो मजदूरी कर कर अपना परिवार चलाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, उनको भी घोर समस्या हुई है। लेकिन उनकी मदद के लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें उनको राशन मिल रहा है और उनको कृषि किसान सम्मान निधि या पेंशन, बहुत तरह की योजनाएं चली चलती रहती हैं, जिससे उनको समय समय पे पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ मदद हो पाता है। लेकिन आप भारत जैसे विशाल देश में रहने वाले विशाल जनसमूह जो मध्यम वर्ग में आते हैं, उनकी समस्याओं को अगर सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको लगेगा जैसे इनको बेसहारा छोड़ दिया गया है। और जबकि ये मध्यम वर्ग जी हैं जो भारतीय इकोनॉमी की जान है, इनके दम पे ही भारतीय इकोनॉमी इतनी आगे तक बढ़ पाई है और लगातार बढ़ते जा रही है और बढ़ते जाएगी। तो अगर मध्यम वर्ग की कठिनाइयों का को जिक्र करें तो मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ग इस ग्रुप में आता है जहाँ पे न तो बहुत ज़्यादा इनकम होती है और ना ही ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा सेविंग्स करके रखी जा पाए। तो क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग थोड़ा अपने आप को समाज के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से चलाने के लिए मजबूर होते हैं, तो वो EMI के जाल में फंसे होते हैं। तमाम तरह की EMI उनकी चली चलती रहती हैं, लोन्स चलते रहते हैं और ऐसे कंडीशन में इस तरह की महामारी से उनका काम धंधा, उनका रोजगार, उनका नौकरी अगर ठप पड़ जाए तो सोचिए कि वो किस तरह से इस EMI को पे कर पाएंगे या इस महामारी को झेल पाएंगे। मानसिक रूप से वो टूट चुके हैं और सरकार से उम्मीद बहुत थी लोगों को कि सरकार कुछ न कुछ मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ करेगी उपाय, लेकिन शायद सरकार के नज़र में मध्यम वर्ग है ही नहीं या सरकार इतने बड़े मध्यम वर्ग के लिए कुछ कर पाने की दशा में नहीं है। जो भी सरकार ने पिछले वर्ष किया है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। लोगों को उससे राहत बहुत कम होगी और ये कहा जाए कि उसने मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा न देकर MSME और उद्योग जगत को फायदा देने की कोशिश करी है। देखिए, इस समय कठिनाई के समय में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कभी भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके नहीं चलते हैं,
और हमेशा नेट टू नेट, इट मीन्स हमेशा नेट टू नेट पे चलते हैं। कि जैसे आप कभी गाड़ी में, गाड़ी से अपने बाइक से सफ़र कर रहे हैं और उसमें आपका तेल जो है अगर न्यूट्रल में है कई दिनों से और आप सफ़र में निकले हैं, तो आपका मन हमेशा डरता रहेगा कि कब गाड़ी तेल छोड़ देगी। ठीक इसी तरह से अगर आप मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं और आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो कभी भी आपको मन में संशय होगा कि कभी भी आपकी गाड़ी, आपका जीवन की गाड़ी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस कठिनाई का कारण भी शायद मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग ही है, क्योंकि लोग मध्यम क्लास में जो आते हैं वो टैक्स पेयर होते हैं, वो ठीक ठाक इनकम वाले होते हैं, वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से चला पाने वाले लोग होते हैं, और वो हर तरह से अपने आप को कोशिश में रहते हैं कि वो मध्यम क्लास से निकलकर अपर क्लास की तरफ जाएं। कुछ लोग जाते भी हैं, और लेकिन अधिकांश लोग इसी क्लास में जीते हैं, इसी क्लास में मर जाते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसी क्लास के लायक बनाकर चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर देखा जाए, ये महामारी तो बहुत रेयर और रेयरेस्ट है, लेकिन ऐसे भी आप मध्यम क्लास के लोगों के दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो अक्सर इनको इस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, जब अचानक से इनका कोई काम धंधा मंदा हो जाता है, या नौकरियां छूट जाती हैं, या किसी कारण से, मेडिकल कारण से, या किसी कारण से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। तो ये इसी तरह की प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स अभी झेल रहे हैं, कि सारा सोर्स ऑफ इनकम जो है सो बंद हो गया है, और जो जो बिजनेस में है उनका बिजनेस बंद है, जो रोजगार में थे उनका, उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनका काम धंधे बंद हैं, तो उनको जो इनकम है, जो इनका मंथली इनकम था, वो भी ना के बराबर आ रहा है, कुछ को आ रहा है, कुछ को ना के बराबर आ रहा है, किसी को एकदम नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बात की जाए उपाय की, तो ऐसे कंडीशन में इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर सरकार मध्यम वर्ग के प्रति सतर्क रहती, जागरूक रहती और सहृदय रखती, तो उस जरूर कुछ न कुछ उपाय करती। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष में तो ये दिख नहीं रहा है कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी करने की स्थिति में है या वो करना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस विषय पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अभी आप जिस भी पेशे में हैं, या आप प्राइवेट जॉब में हैं, या आप प्राइवेट बिजनेस में हैं, या आप कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं, तो सारे काम सभी इफेक्टेड हुए हैं। तो सबसे जो कुछ ज़रूरी उपाय हैं कि कोशिश करें कि जो लोन्स हैं या जो EMIs हैं उन्हें तो आप रोक नहीं सकते हैं, और अभी जो सरकार की स्कीम आई थी जिसमें 6 महीने का रिलीफ दिया गया था, वो रिलीफ बहुत लोगों ने लिया और 6 महीने का रिलीफ उनको मिला। सरकार ने मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा काम ये किया था, और बाद में सरकार ने उसमें भी पेंच लगा के उसका इंटरेस्ट लेना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मध्यम वर्ग की मदद की है और उस इंटरेस्ट को माफ़ किया है। लेकिन अगर और भी आपके ऊपर में लोन हैं, जो लोन चल रहे हैं और घर का खर्च है, परिवार का खर्च है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको जो आपके पास कुछ भी सेविंग्स है, जिसे आपने अगर पॉलिसी करा रखी है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अगर आपने बॉन्ड्स डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उसकी मदद ले सकते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं रखा है तो बात ही नहीं करनी है, लेकिन अगर आपने रखा है तो वो इमरजेंसी फंड आपके लिए काम में
आ सकता है और अपने खर्चों को कम से कम करें। कोशिश करें कि किस तरह के फिजूल खर्च से बचें। परिवार में अगर संभव है तो परिवार के लोगों से मदद लें। और पहला चीज़ कि मेंटल स्ट्रेस ना लें, दिमागी तनाव ना लें। परिवार में आपस में छोटे छोटे बातों पे झगड़े नहीं, विवाद नहीं खड़ा करें। और परिवार के हर सदस्यों को चाहिए कि किसी भी विषय को विवाद ना बनाया जाए। ये परिस्थिति अकल्पनीय परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति शायद अभी के 2-3 जनरेशन ने नहीं देखा होगा। हमारे जनरेशन या पिछले 2-3 जनरेशन ने ऐसी परिस्थिति नहीं देखा होगा, इसलिए ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। इस परिस्थिति में परिवार सबसे बड़ी शक्ति है कि परिवार सभी एकमत होकर, एकजुट होकर रहें और खर्चे को कम से कम करें। जितने भी आपकी अल्टरनेट सेविंग्स हैं, चाहे वो बॉन्ड, डिबेंचर, FD, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, पॉलिसीज, यूलिप्स, जहाँ भी हो उसको आप अगर चलाने की स्थिति में हो तभी चलाएं, अन्यथा आप उसको तोड़कर अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस महामारी ने लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। अगर महामारियां तो शायद 100 साल में एक बार आए, लेकिन मध्यम क्लास बीच बीच में हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझता रहता है। तो जैसा हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, जैसा हम लोगों को बताया जाता है, वो मैं अनुभव साझा कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल जो फैमिली है जिसमें पति पत्नी और 1 या 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है, और आप मध्यम वर्ग से आते हैं या आप अपना ठीक ठाक कोई बिजनेस करते हैं छोटा, या फिर आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल काम करते हैं जिससे आप अपना जीवन खुद से चला रहे हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट नौकरी में है, ऐसे लोग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार व्यवस्था नहीं करती है, आपको खुद से इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमारे फील्ड में एक थंब रूल बोला जाता है कि अगर आप बैचलर हैं, इट मीन्स अगर आप युवा हैं, यंग हैं और बैचलर हैं, तो आपको अपना इमरजेंसी फंड, मतलब अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको अपना सैलरी का, 6 महीने का सैलरी को एक इमरजेंसी फंड बनाकर लिक्विड फंड में, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में जमा करके रखना चाहिए, जिससे वो कभी भी इमरजेंसी में आप उसको यूज कर सकें। और अगर आप शादीशुदा हैं तो साल भर का, और अगर बाल बच्चेदार हैं तो कम से कम 1.5 साल 2 साल का जितना भी फंड आपका बनता है। जैसे मान लीजिए आपका साल का इनकम अगर 2 लाख 3 लाख है, तो वो उस फंड को आप जमा करके रख सकते हैं। अब बोलेंगे 2 लाख 3 लाख रुपया कैसे जमा होगा, तो आप जो है अपने सैलरी से, जब आप नॉर्मल समय में होते हैं, अपने सैलरी से एक सर्टन अमाउंट हर महीने किसी भी लिक्विड फंड में SIP करके रख दें, तो उससे क्या होगा कि एक कुछ समय में, 2-3 सालों में आपका ये इमरजेंसी फंड जमा हो जाएगा। और ये इमरजेंसी फंड जो होता है वो बहुत सारे कामों में यूज होता है। जैसे अभी महामारी के समय में ये इमरजेंसी फंड रहने से आपको रिलीफ होता, या कभी भी बीच में फाइनेंशियल क्रंच आता है तब आपको रिलीफ होगा, कभी भी मेडिकल क्रंच आता है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है तब आपको वो रिलीफ कर सकता है। तमाम तरह के, और एक मेंटल पीस आपको दे सकता है कि हाँ आपके पास एक सर्टन अमाउंट है जो आपने बैंक में रखा है या म्यूचुअल फंड में रखा है। आप बैंक में भी रेकरिंग कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में भी रेकरिंग कर सकते हैं, दोनों में। इसको इक्विटी में न डालें, इसको लिक्विड फंड में रखें ताकि आप कभी भी इसको निकाल सकें और इस पे आपको एक सर्टन रिटर्न भी मिलता रहे, ये मार्केट मार्केट की वोलेटिलिटी में ना फंसे।
ये तो हो गया इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कितना रखना है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है। और जब आप लाइफ की स्टार्ट करते हैं, या पर्सनल लाइफ है, या मैरिटल लाइफ है, या फैमिली लाइफ है, तो उससे पहले आप इसको स्टार्ट कर लें। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आगे की शिक्षा के लिए इसको रख लें कि आने वाले 4-5 साल में मैं अपना इमरजेंसी फंड बना के रखूँगा। और कभी भी इस इमरजेंसी फंड को सिर्फ और सिर्फ ह्यूज इमरजेंसी में ही यूज करें, अदरवाइज इस फंड को भूल जाएं, इस फंड को इग्नोर करके चलें, क्योंकि ये आपके इमरजेंसी के लिए है, आपके परिवार की इमरजेंसी के लिए है। तो इसको आप पहला रूल्स जो है आपका थंब रूल जिसे बोलते हैं, इस रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। ये आपके लिए बहुत बड़ा संबल का काम करेगा, बहुत बड़ा सहायक का काम करेगा। इस तरह की महामारी या किसी भी अन्य तरह की फाइनेंशियल महामारी में आपको मदद करेगा। दूसरा जो नियम है कि आपको अपना पूरा इन्वेस्टमेंट्स देखना होगा, आपको पूरा अपना एक्सपेंडिचर देखना होगा कि आप कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ अपने सारे इनकम्स को और खर्च को रजिस्टर में नोट करें। और रजिस्टर में नोट करने के बाद हर मंथ के एंट्री का हर मंथ उसकी एंट्री बनाएं मंथ वाइज, और उसको फिर बीच बीच में देखें कि कहाँ आप पैसा फालतू का खर्च कर रहे हैं, कहाँ आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं भौतिक साधनों पे और तमाम तरह की कंपटीशन में, सोसाइटी कंपटीशन में खर्च कर रहे हैं कि फलाने के यहाँ कार है तो हमारे मेरे यहाँ भी कार होनी चाहिए, फलाने के यहाँ एसयूवी है तो मेरे यहाँ एसयूवी होनी चाहिए। और तमाम तरह की सामाजिक जो दौड़ है उसमें शामिल होने से बचें। कोशिश करें कि पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप किसी भी रेस में हमेशा आगे रहेंगे। इस विषय में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने लाइफ को इजी वे में आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार के लाइफ को, अपने बच्चों के लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप लोग ये इस वीडियो को पसंद करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूं। ओके, थैंक यू।